के उस जानवर की कोई क्वालिटी बताने के लिए हम कोई एक गुण धर्म का इस्तेमाल करते हैं और उसी गुण को ऐसे बोला जाता है। ठीक है, जैसे शेर को अगर बोला गया जंगल का राजा है तो इसका मतलब शेर बहुत ताकतवर जानवर है, खतरनाक जानवर है, हिंसक जानवर है ना। तो इस सब तरह से मोरल बताते हैं। तो बच्चों के अंदर क्या होता है, डे बाय डे पैटर्न बनता है, उसके अंदर पैटर्न बनता है कि जानवर में शेर खतरनाक है, जानवर में चूहिया छोटा सा जानवर है, चिड़िया छोटी सी, कटा आयत में से और एक कटा वर्ग में से, लेकिन दोनों समकोणिक हो गया है कि नहीं। तो कहने का मतलब कि हम हर बार जब गुण की बात करेंगे, समरूपता की बात करेंगे, तो अगर इसको समरूप बोला जा सकता है, बोलेंगे बिल्कुल समरूप है। क्यों कहेंगे, कोण के आधार पर दोनों समरूप हुआ, कोण के आधार पर समरूप है, ऐसे नहीं है। आया समझ में? चलो ठीक है, इसीलिए अब हम बात करते हैं, समझना था हमको ये चीज, समकोणिक में कोई दिक्कत, समरूपता में कोई दिक्कत, ये सब में कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब बात करते हैं पैटर्न। पैटर्न क्या है? पैटर्न का मतलब होता है कि जिस तरीके से कोई एक काम किया गया हो उसको रिपीट करते हैं, उसको दोहराते हैं। जैसे अगर मान लो एक उदाहरण दे रहे हैं, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, या कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें राष्ट्रभक्ति दिखाना हो, राष्ट्र की शक्ति दिखाना हो, तो उसमें हम लोग तिरंगा लगाते हैं, होता है। तो अब इस तिरंगा को लगाने के लिए ऐसा नहीं है कि तिरंगा कितना बड़ा होगा, कोई ये नहीं है। हर जगह आप अपने हिसाब से, आपके हिसाब से जो साइज है उस हिसाब का तिरंगा लगा सकते हैं। तिरंगा का जो अगर वैल्यू देखा जाएगा, झंडे का साइज का वैल्यू, तो झंडे का साइज नहीं होता, लंबाई चौड़ाई का रेशियो है, कितना लंबा कितना चौड़ा, ये होता है। तो उस आधार पर झंडा बनाया जाता है। आप छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ, बहुत बड़ा बना लो, है कि नहीं, हर तरह से बनाते हैं। तो इसी तरीके से किसी नियम का एक आधार होगा, ठीक है, इसी तरीके से आधार होगा। अभी जैसे हम समकोणिक के आधार पर सर्वांगसम कर दिए, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, आपको पता होगा क्लास 10th में पढ़े हुए, कोई भी दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो उस एक त्रिभुज का सब कुछ दूसरे त्रिभुज के सब कुछ के बराबर हो जाता है, पता है ना। तो इसका मतलब वर्ग से कटा हुआ जो त्रिभुज था और आयत से कटा हुआ जो त्रिभुज है उसका भी सब कुछ बराबर हो जाएगा, तब चूंकि नियम ये कहता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, एक नियम के द्वारा से हम कोई दूसरी चीज को ज्ञात कर सकते हैं। पैटर्न ऐसी ही चीज है। पैटर्न क्या होता है कि किसी एक काम को करने का एक क्रम होता है, सिस्टम होता है। जैसे मान लो चाय बनाएंगे, तो कोई भी ये बोलेगा कि चाय बनाने के पहले पानी गर्म करना है, ये पहला पैटर्न होगा। अब अगर तुम देखोगे तो हर आदमी पानी अकेला गर्म नहीं करता, बहुत जगह क्या करते हैं लोग, सब कुछ मिक्स करके एक बार ही गर्म कर देते हैं। जैसे हम खुद भी बोले, अगर हम भी कभी चाय बनाते हैं तो हम अलग अलग नहीं गर्म करते, हम सब कुछ एक बार डाल देते हैं, ठीक है, जितना दूध उतना पानी, फिर उसमें पत्ती चीनी सब डाल के गर्म कर दिया एक बार। तो ये नहीं कि गलत हो गया है ना, लेकिन क्या है, बनाने का नियम होता है, कुछ सिस्टम होता है, कुछ पहले क्या, बाद में क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, आखिरी में क्या, ये जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं पैटर्न। बच्चों को सीखने सिखाने में पैटर्न का बहुत अहम योगदान है। बच्चों को कोई भी चीज सीखना हो, सिखाना हो, तो उसमें पैटर्न का बहुत अहम भूमिका है। बिना पैटर्न के बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा। हम क्लास में भी आपको बताए थे कि बच्चों को कुछ भी सिखाने के लिए पैटर्न बताना जरूरी है। जैसे छोटे बच्चों को अगर गिनती सिखाते हैं हम, तो गिनती सिखाने के लिए पिक्टोग्राफ एकदम जरूरी है। पिक्टोग्राफ, पिक्चर के माध्यम से बच्चा कोई चीज पढ़ता है। और इसी तरह से बच्चों को कहानी सुनाते हैं, तो बच्चों की कहानी और आपकी कहानी में अंतर होगा। बच्चों की जो कहानी होती है उसमें जानवर रहेगा, कार्टून रहेगा, ठीक है, इस सब तरह की चीज होती है, लेकिन उस कहानी के साथ में एक मैसेज भी दिया जाता है, उस मैसेज को ही हम पैटर्न कहते हैं। जैसे मान के चलो, आवाज जा रही है प्रॉपर, मान के चलो, क्या हुआ केशव? अच्छा चलिए, धन्यवाद। मान लेते हैं, सपोज किसी बच्चे को आप कहानी सुनाते हैं,
हम एक कहानी छोटा सा तुमको सुना रहे हैं, और उस कहानी का सवाल पूछेंगे, जवाब देना होगा जिससे पूछेंगे। मान लो तुमको कहानी सुनाते हैं जो तुम लोग को सुना हुआ है कि एक कौवा एक बार एक रोटी का टुकड़ा लेकर के पेड़ पे बैठ जाता है। बगल से एक लोमड़ी गुजरती है, उसके मन में होता है कि वो रोटी का टुकड़ा उसके पास आ जाए। फिर वो क्या करती है, कौवा से कहती है कि भाई तुम तो बड़ा अच्छा गाते हो, मीठा गाते हो, जरा एक बार गा के सुनाओ। कौवा खुश हो जाता है सुनाने के लिए, मुंह खोलता है, रोटी नीचे आती है और लोमड़ी लेके चल चपत। ये कहानी सुना होगा। इसको सुनाने के बाद हम बच्चों को बताएं इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ बताया गया कि लोमड़ी बहुत चतुर जानवर है, चालाक होती है, और चालाकी से वो अपना काम निकाल लेती है ना, यही ना अर्थ है। लेकिन अब बताओ बच्चा इससे क्या समझेगा। बच्चा समझेगा कि लोमड़ी चालाक है, वो दिमाग लगा के सारा काम कर लेती है। हमको बताना है लोमड़ी की चालाकी के बारे में। दूसरी तरफ बताते हैं अगर शेर जंगल का राजा है, सही में शेर जंगल का राजा है क्या? हाथी कुछ नहीं है, मगरमच्छ कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके आधार पर, तो इसका चारों कोण और इसका चारों कोण समकोण है, तो कोण के हिसाब से ये सही है। लेकिन अगर भुजा के आधार पर बात करें, तो इसके चारों भुजा और इसके चारों भुजा ये बराबर है, तो भुजा के आधार पर वो समरूप हो जाएगा उधर वाला। लेकिन अब हम बात कर रहे थे जो तुमको बोले थे अभी, कि अगर इसको हम ऐसे डिवाइड कर दें, कैसे, दो त्रिभुज बन जाएगा उधर, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है ना। तो दोनों त्रिभुज में देख लो, कॉमन है, बीच वाला साइड कॉमन है, और ये 90, ये 90, इधर ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, तो ये सब तो एक जैसा हो गया, समरूप भी हो गया और सर्वांगसम भी हो गया, हो गया ना। अब यही काम इसमें करते हैं, तो यहां भी देख लो, यहाँ भी 90 है, 90 है, 45 है, 45 है, एक जैसा। तो इसमें अगर हम इसका नाम पी क्यू आर एस रख दिए हैं इसके अंदर पहला फिगर में, तो यहाँ पे बन रहा है मेरा त्रिभुज पी क्यू आर, और त्रिभुज पी क्यू आर पर, पी क्यू आर नहीं, क्या बनेगा, पी क्यू एस बनेगा ना, पी क्यू एस, और दूसरा क्या बनेगा, क्यू आर एस, क्यू आर एस। क्या दोनों का वैल्यू बराबर होगा, देख लो, या नहीं होगा, वैल्यू बराबर होगा पूरी तरह से, जब पूरी तरह से बराबर है, रूप भी एक जैसा है, इसीलिए इसको हम ये बाद में जोड़ दें, पहले वैल्यू बराबर है, और दोबारा बोल रहे हैं त्रिभुज पी क्यू एस का रूप एक जैसा है, कैसा, त्रिभुज क्यू आर एस जैसा, तो रूप भी एक जैसा हो गया यहाँ देख लो, और वैल्यू भी बराबर हो गया यहाँ देख लो। जब रूप भी एक जैसा है और वैल्यू भी बराबर है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज को, त्रिभुज पी क्यू एस बराबर भी है और एक जैसा रूप भी है, किसके, क्यू आर एस के, तो इसलिए क्या हो गया, सर्वांगसम भी होगा, कोई दिक्कत है इसमें। अब अगर यही बात इसके लिए करें हम दो मिनट के लिए, ये समझ में आ गया पूरा, अगर यही चीज हम बोलते हैं ए बी सी डी, तो इसमें क्या होगा, फिगर दिख रहा है साफ साफ, दिख रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, आप इसको जो लिखे थे है ना, अब हम तुमको दिखा रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, यहाँ त्रिभुज ए बी और डी, ए बी डी, इधर से बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी, इस दोनों के बारे में बात करो, क्या दोनों का सब कुछ बराबर है, 90 90 45 45 खाना ही जैसा वैल्यू में बराबर होगा, और यही चीज हम बोलेंगे त्रिभुज ए बी डी का रूप, त्रिभुज बी सी डी का रूप एक जैसा है, रूप भी एक जैसा है, जब दोनों चीज हो गया तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज
ए बी डी बराबर भी है और रूप भी एक जैसा है किसके, त्रिभुज बी सी डी के, सर्वांगसम भी हो गया। कोई दिक्कत है इसमें पढ़ने में आ रहा है? ये लिखे है पढ़ने में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ये चीज? अब इस दोनों को हटा के मिक्स कर देंगे, नहीं पढ़ने में आ रहा है? नहीं आ रहा है, चलिए धन्यवाद। अब हम एक काम करते हैं, इसका एक त्रिभुज ले लेते हैं, इसमें हम बनाए थे त्रिभुज पी क्यू एस और बराबर भी था, सर्वांगसम हो गया था, ये त्रिभुज किसके, कौन से त्रिभुज के, त्रिभुज क्यू आर एस के, क्यू आर के, इसमें से कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं हम, देखो यहाँ जिसको कलर कर दिया, और इसका भी ये ले ले रहे हैं हम, दोनों का रूप एक जैसा नहीं है, लेकिन इसकी बाकी प्रॉपर्टी देखो, यहाँ 45 है और यहाँ 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, अगर इस दोनों को हटा के हम अलग बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं, त्रिभुज कौन सा है, क्यू आर एस, क्यू आर एस, क्यू आर एस, और ये कौन सा त्रिभुज है, बी सी डी, देख लीजिए एक वर्ग का हिस्सा है, एक आयत का, ये आयत में से काटे हैं, आयत में से है ना, और ये जो ले रहे हैं किसमें से है, ये वाला वर्ग में से, कुछ एक चीज बताओ जो कॉमन है दोनों में, देखो इसमें भी ये 45-45 है, इसमें भी ये 45-45 है ना, और इसमें भी ये 90 है, इसमें भी ये 90 है, तो भले भुजा बराबर नहीं है लेकिन कोण तो एक जैसा है, नहीं है तो हम बोल सकते हैं कोण क्यों इसका, इसका कोण क्यों और इसका कोण बी, इसका कोण एस और इसका कोण, इसका कोण डी और इसका कोण पूरा आर और इसका एंगल सी, तो क्या होगा, समकोणिक हुआ कि नहीं हुआ, समकोणिक है ना, देख लो है ना समकोणिक। तो अब बताओ इसको बताने के लिए, किसी भी चीज को बताने के लिए एक सिस्टम होता है, सिलसिलेवार ढंग से, स्टेप वाइज ढंग से, पहला स्टेप दूसरा स्टेप जैसे बताते हैं, तो इसी तरीके से बच्चों को समझने समझाने के लिए जरूरी होता है कि कुछ पैटर्न का सहारा लें, और उस पैटर्न के जरिए से बच्चे बहुत सारी चीजों को समझ पाते हैं, है ना, इसीलिए पैटर्न की बहुत अहम भूमिका होती है। ये मेरा तीसरा यूनिट आज खत्म हो जाता है, बाकी आप देखिए क्वेश्चन वगैरह गेस वगैरह भी मार्केट में है, कुछ क्वेश्चन वगैरह भी हम दे देंगे इसके बाद, मेन समझाना था पीडीएफ दे देंगे इसके बाद, कल हम शुरू करेंगे यूनिट 4 को, जो आखिरी यूनिट है आप लोग का। अगर पिछला 3 यूनिट में 1, 2 और 3 में किसी तरह का किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा, देन यू कैन आस्क मी ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, आप मेरे व्हाट्सएप पे पूछिएगा, हम उसका जवाब आपके व्हाट्सएप पर दे देंगे, ठीक है। अगर कोई भी सवाल किसी का रह गया हो, आज की क्लास यही एंड करते हैं, क्योंकि अगली क्लास अब आप लोग की चालू होगी, ठीक है, आप लोग घर में रहिए, आप कहीं निकलिए नहीं, कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, रखिए तो क्या हुआ, कौन क्लास में है, अच्छा नहीं तो मेरी भी क्लास है, 11 बजे कहीं आऊँ, 11 बजे मेरी भी क्लास है अभी, कहीं और लेना है क्लास, हाँ तो इसलिए हम रख रहे हैं अभी, ठीक है, चलिए हैव अ गुड डे, घर में रहिए, आराम से रहिए, स्टे एट होम एंड बी सेफ, हैव अ गुड डे।